सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने नगर परिषद सुजानपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीना दीमान एवं अन्य पार्षदों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के 5 पार्षद होने के बावजूद उन पार्षदों ने भाजपा समर्थित अध्यक्ष पद को नहीं चुना और एक सही एवं ईमानदार कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया है, इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता गुंडों की तरह कार्य कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसके बावजूद भाजपा अध्यक्ष पद बचाने में कामयाब नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा के गुंडा तत्वों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, वे तमाम बातों को जानते हैं, लेकिन सच्चाई का साथ भगवान देता है और आज सबके सामने ये प्रमाण हुआ है। सुजानपुर का विकास पहले भी कांग्रेस ने करवाया है, वर्तमान में भी कांग्रेस करवाएगी जो भी वायदे चुनाव लड़ने से पहले विधायक राजेंद्र राणा ने सुजानपुर की जनता से किए हैं, उन सभी को पूरा करवाया जाएगा। विशेष रूप से शहर के वार्ड नंबर 8 में नाले का सही तरीके से चैनलाइजेशन करके सुंदर एवं सुविधा स्वरूप बनाया जाएगा। वीना दीवान जी जो कि नगर परिषद की अध्यक्ष बनी है, मैं इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इसके साथ सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ, जितने भी पार्षद कांग्रेस पार्टी समर्थित जो जीते हैं। और दूसरा मैं शहरवासियों को भी बधाई देता हूँ कि आपके कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा बनी है और शहर का जो विकास रुका पड़ा था अब फिर से शुरू होगा। और ये जो आज जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडास जो कि लोगों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में कल जो एक फिल्मी स्टाइल से इन लोगों ने सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडाज ने गुंडागर्दी करी है। कोई व्यक्ति विधायक के घर में मिलने के लिए आता है, परिवार के साथ मिलने के लिए आता है और उसके बाद वो नीचे की तरफ गांव की तरफ जाता है, उसको 3 गाड़ियां जो है फिल्मी स्टाइल से 3 गाड़ियां गुंडों से भरी हुई जो है सुनी। जिस तरीके से गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के सरकारी स्पॉन्सर्ड गुंडाज कर रहे हैं, उसके बाद उस व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है कि आप राजेंद्र राणा के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराएं। ये जो क्या बोलते हैं इसको किडनैपी का जो मुकदमा जो है दर्ज कराने का प्रयास किया गया, उस व्यक्ति ने बयान दिया कि मैं विधायक के इलाके में गया था, अपनी मर्जी से गया था, काम कराने के लिए गया था, जो भी उन्होंने बयान दिया होगा। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश की जयराम की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसा गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक शांति प्रिय प्रदेश में, देवभूमि में ऐसी गुंडागर्दी जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं उन गुंडा जो लोग यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि सुजानपुर में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसलिए आज जो उनको उनके गाल पर तमाचा सुजानपुर के पार्षदों ने मारा है, ये उसी का नतीजा है। अगर प्रेम कुमार धूमल यहाँ से चुनाव हारे हैं तो ये जो प्रेम कुमार धूमल इसलिए चुनाव हारे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ गुंडे पाड़ के रखे हैं ये उनकी वजह से हारे हैं और आने वाले समय में भी नतीजे ऐसे ही आएंगे। कारी है मेरी असेसमेंट ये थी कि हमारे अध्यक्ष भी और उपाध्यक्ष भी जीतेंगे और ये जो स्पॉन्सर्ड गुंडाज हैं इनके खिलाफ लोग यहाँ के पार्षद वोट डालेंगे। कहीं ना कहीं एक वोट में चूक हुई है, गलती लग गई है, मुझे लगता कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं गलती वोट डालने में लगी है, अदरवाइज दोनों के दोनों जो है हमारे कैंडिडेट जीते और ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है वोट डालने में। परंतु मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो वोटिंग हुई है जहाँ हमारे पार्षदों ने भी डाली है और भाजपा के जो पार्षद थे उन्होंने भी इस गुंडागर्दी के खिलाफ यहाँ वोट किया। समय में 8 नंबर बाढ़ का जो नाले की समस्या है, चैनलाइजेशन की समस्या है, उसको जल्दी ही वार्ड नंबर 8 के लोगों की समस्या को हल किया जाएगा और कमेटी की तरफ से भी काम किया जाएगा और जो सरकार की तरफ से काम होने वाला है उसको भी किया जाएगा। कि जनता को यही संदेश देना चाहता हूं कि सुजानपुर शहर को विकसित करने के लिए मिलकर काम करें। हमारी सरकार 5 साल रही है और 5 साल में हमने सुजानपुर शहर में SDM से दफ्तर से लेकर मिनी सचिवालय से लेकर कॉलेज की बिल्डिंगों से लेकर ITI के भवनों से लेकर नगर परिषद से लेकर
आपके सब्जी मंडी से लेकर सिविल हॉस्पिटल से लेकर सारे के सारे काम करवा के दिए हैं, परंतु इस सरकार ने जो काम हमने पैसा सेंक्शन भी किया था, टाउन हॉल था, आपके सिविल हॉस्पिटल के लिए एडिशनल बिल्डिंगें थी, वो सारे के सारे काम इस सरकार ने रोके हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सुजानपुर के लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं कि विकास को रोकने का काम कर रहे हैं, उनको ऐसा ही करारा जवाब देंगे। पिछले कुछ दिनों में बहुत अफसोस की बात है कि कुछ जो नेता हैं भाजपा के यहाँ पर तथाकथित, उन्होंने कई तरह के षड्यंत्र रचने का प्रयास किया, सरकार का जो प्रशासन है उसका दुरुपयोग किया, लेकिन अंततः जो है सच्चाई की जीत हुई और प्रधान जो है वो कांग्रेस पार्टी के बने, राणा जी के नेतृत्व में कमेटी बनी और हमें पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में आगे जिस प्रकार से लगातार सुजानपुर के अंदर विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में और बेहतर तरीके से होंगे। में प्रधान पद को लेकर कि पूरे 5 साल तक ही वीना धीमान जी पूरे 5 साल तक रहेंगी प्रधान, कोई समझौते वाली बात नहीं है। समीक्षा की जाएगी कि एक वोट को लेकर जो कमी रही है हमारे उप प्रधान को लेकर, उसके ऊपर समीक्षा पार्टी संगठन करेगा। प्रधान जी यहाँ पर हैं और आगे इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रधान कांग्रेस पार्टी का बना। ये कोई सौदेबाजी हुई है कि जिसे 5 लोगों को समर्थन दिया कांग्रेस के प्रत्याशी को और 4 मिले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी को, तो ये क्या गड़बड़ झाला है? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे कहा शुरुआत में, पिछले कुछ दिनों में जो हमारे बाकी पार्षद हैं सब पर प्रयास सरकार की ओर से किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित हैं नेता उनकी ओर से किया गया, दबाव बनाने का प्रयास किया, रात रात में जो उनके पार्षदों के घरों के जो सदस्य हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया, रातों तक उनके पास बैठे रहे कि हमें वोट दीजिए, लेकिन अंततः वोट जो है और जिस प्रकार से चीज़ें तय की गई थी, 4 कांग्रेस के थे, 4 भाजपा के थे और 1 आज़ाद था, अब इसकी पुष्टि जो है अभी यहाँ पर नहीं, लेकिन 1 वोट जो जिसकी कमी रही उसकी समीक्षा संगठन करेगा, क्योंकि वोट बराबर के पड़ने चाहिए थे, उसके ऊपर हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति रही, सरकार का जो दबाव रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो तथाकथित नेता हैं उनका दबाव रहा, फिर भी अंततः सच्चाई की जीत हुई और राणा जी के नेतृत्व में जो है प्रधान कमेटी का बना है, इसमें कोई सौदेबाजी वाली बात नहीं है। जो कमी रही है उसकी समीक्षा करेंगे और आने वाले समय संगठन उसका संज्ञान लेगा।